हेलो दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको ये जो इस वीडियो के माध्यम से मुरमुरे कैसे बनाते हैं, मुरमुरे की जो फिक्की खिल्ले होती है ना, हम बोलते हैं उसके, उसको हम कैसे बनाते हैं। पहले हमने दोस्तों ये ऐसी चाशनी बना ली है, देखिए गुड़ की। फिर इसको हमने थोड़ा सा, हमने ये गच्चक बना रहे हैं, ये देखिए अब तो गच्चक बनने को है। हम इसको हम डालेंगे और जब थोड़ा इधर से लेकर हमने क्या कर दिया, ये गुड़ बना दिया। फिर गुड़ के बाद इसके बाद हमने चावल ले लिए, चावल के जो खिल्ले होती है उसको मिलाया है। दोस्तों ये लड्डू बन गए। अब ये देखिए इस तरह से हमने सारे लड्डू बना दिए हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों, सर्दियों में खाने चाहिए। जैसे तिल के लड्डू, ये लड्डू हो गए, सेव के लड्डू हो गए, और ये रहे इसके खिल्लों के जो मुरमुरे जो बोलते हैं मुरमुरे, इसकी मुरमुरे भी बना सकते हैं दोस्तों। जैसे आप अगर इसको लड्डू में बनाना तो इसको ऐसे फैला दीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने तक उसको काट लीजिए बीच बीच से, जैसी आपको शेप देनी है वैसे शेप दे सकते हो। तो आप देखो ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन चुके हैं, ये देखो खाने में एकदम बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो, देखिए ये देखो। अब इसको ए सी वाले डेब जो एयर कंडीशन टाइट वाले होते हैं, जैसे ये देखिए मुरमुरा, ये देखिए देखिए अभी थोड़ा सा गीला है दोस्तों, अभी जैसे सूखेंगे तो बहुत ही कुरकुरे हो जाएंगे ये। ये ऐसे हमने इसको लड्डू जैसे बना लिए हैं, और ये जो है ये हमने कुरकुरा ऐसे मुरमुरे नहीं है वैसे बना लिए थे, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अगर आपने अभी घर में बना रहे हो तो इस तरह बना सकते हैं इस रेसिपी को देख के। बस कुछ नहीं करना, जितना आप शक्कर लेना उसको थोड़ा पानी, आधा जग पानी को डालना और काटते रहना काटते रहना, और इस तरह ये बन जाता है दोस्तों। ये देखिए बना लिए तिल के इसके खिल के लड्डू। जय श्री कृष्ण।